ओम तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीरितं कल्मषावहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति बुरीदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण देव दुर्लभ कंठ में अनिंद सुंदर संगीत परिवेशन कर रहे हैं। लेट अस इमेजिन टू बी ए पार्ट ऑफ द ऑडियंस। बलराम मंदिर में हम लोग भी बैठे हैं, 11 मार्च ठाकुर संगीत परिवेशन कर रहे हैं और श्रोतागण के भीतर नरेंद्रनाथ, गिरीश चंद्र, मास्टर महाशय आदि, नारायण आदि विशिष्ट भक्तगण विराजमान है। आश्चर्य वक्ता कुशलस्य लब्ध्वा, श्रोता एवं संगीत प्रस्तुतकारी दोनों ही अनवद्य है। पहले ही एक मशहूर संगीत प्रस्तुत किया, जतने हृदय रेखो आदरिणी श्यामा माँ के, ये हम लोग सबके लिए एक महान शिक्षणीय वस्तु है कि इसे माँ का आराधना करना चाहिए, कि इसे हृदय में रक्षणा वेक्षण करना चाहिए, क्या सावधानता अवलंबन करना चाहिए, सब बताया। इसका चर्चा हुई। अभी द्वितीय संगीत प्रस्तुत कर रहे हैं। इस संगीत का भाव दूसरा है। जो त्रिताप क्लिष्ट संसारी भक्त है उनके भाव अपने ऊपर आरोपित करके अभिमान पूर्वक माँ को बोल रहे हैं। He has identified himself with the suffering common people and urging to the Divine Mother. उसका भाव क्या है? भाव है कि जिसके माँ आनंदमयी है वो क्यों कष्ट में हो रहेगा, शिकायत है। माँ जार आनंदमयी से कि निरानंदे थाके, जिसके माँ बहुत दुखी है उसका संतान तो अगर दुखी हो उसमें कोई आश्चर्य नहीं है, लेकिन माँ आनंद में भरपूर है और अपनी संतान, निजी संतान दुख सागर में पतित है, ये तो होना नहीं चाहिए। तो शिकायत होना जरूरी है। तो यही है, गो आनंदमयी हुए माँ आमाय निरानंद कोरोना। हमारा जो अवस्था है, दुरावस्था है, आपको भली भांति पता है। आप आनंद में मस्त रहेंगे और मैं दुख सागर में रहूँगा, ये तो होना नहीं चाहिए। और ये नहीं है कि मैं आपको नहीं चाहता हूँ, ये भी जोड़ दिया। ओमा ओदुरी चरण बिने आर, ओमा ओदुरी चरण बिने आमान मन आर किछु जाने ना। आई हैव टेकन रिफ्यूज इन दी
ये नहीं है मैं आई एम ए फोर्लोन चाइल्ड, आपका चरण में मैं शरणागत हूँ, ये आशा से जो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन वो तो हुआ नहीं, इसीलिए आक्षेप है। फिर आगे कहते हैं, तपन तनय अमाय मंद कय कि आर बोलिब बोलो ना, आई एम नथिंग टू से, क्या हम बोलेंगे बताइए। तपन तनय मतलब यम, मृत्यु, सूर्य पुत्र है तो वो मुझे बदमाश कहते हैं। अर्थात जमा इज द पर्सन हु टेक द स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक टेकिंग एट द एंड ऑफ द लाइफ, कितना जमा खर्च हुआ है, ऑडिटर है और उसी अनुसार बंदोबस्त करेगा। वो जब अकाउंट्स मिलाते हैं तब देखते हैं यहाँ पर नुकसान ही नुकसान है। आपके पास जाने के लिए जो सद्गुण राशि होना चाहिए, जो पुण्य कर्म होना चाहिए, उसमें तो जमा नहीं पड़ा, तो कहते हैं भाई तुम तो तुम्हारा जीवन बर्बाद कर दिया। अभी एट दिस मोमेंट मुझे क्या बताना है बताइए, मुझे सलाह दीजिए। आप रहते हुए हमारा क्यों इतना दुर्दशा होगा। तुम ही माता थाकते हैं हमार जागा घरे छुरी, और एक गाना में है, मैं तो जागृत हूँ आपका लिए, आपके चरणों में शरणागत हूँ और आप भी हैं, तब भी इस अवस्था में भी हमारा सब कुछ चोरी हो गया। हमारा संपत्ति राशि है, जो सद्गुण राशि है, तो हमारे पास है नहीं, और इसीलिए हमें जमराज कोश रहे हैं। हमारा इच्छा क्या था, व्हाट वॉज माई इंटेंशन, मैंने शरण लिया था। उमा भवानी बोली, भवानी बोलिए, भवे जाव चले, छिल मने ही वासना, अरे डिजायर, कुछ नहीं होगा ये दुनिया में। भवानी मतलब आप, भव मतलब संसार। इस संसार में हमारा कुछ डर नहीं था, क्योंकि संसार का जो अधिष्ठात्री है, भवानी है, वो तो मेरा माता है, उनका नाम लेकर हम अनायास में ये संसार पार करके चला जाऊंगा, ये हमारा वासना था, ये हमारी इच्छा था, ये कॉन्फिडेंस भी था। जिससे हम लोग सोचते हैं हम माँ का नाम लेते हैं सब कुछ हो जाएगा, तो नहीं हुआ, इसीलिए अभिमान कर रहे हैं ठाकुर हमारा सबके ओर से, ये मेरा इच्छा थी। लेकिन हुआ क्या, उमा अकुलो सागरे डूबा भी आमारे, सपने होता तो जानी ना, आई कुड नॉट इमेजिन जी इतना धोखाधड़ी हो जाएगा। आपको निर्भर करके हम आगे बढ़ रहे थे, पर हम निश्चिंत था, भवानी का नाम लेते हुए हम अनायास में पार करके चले जाएंगे। अभी जमराज आके हमको पकड़ लिया, तो आप तो बीच में हमें डुबा दिया। ये जो संसार का समुद्र में क्या आप, आपको पार करने के बजाय आप तो मुझे डुबो दिया, ये तो मेरा कल्पनातीत था। फिर वो कह रहे हैं, आमी अहोर निशी दुर्गा नामे भाषी, दुख राशि तबु गेलो ना, एवार जदि मरी ओ भव सुंदरी, ओ हर सुंदरी, तोर दुर्गा नाम आर क्यों लबे ना। मैं तो दिन रात तुम्हारा नाम ले रहा हूँ, और निशी, हम इस दिन निशिमित रात, तो दिवारात्रि न केवल लेता दुर्गा में भासी, आई एम फ्लडेड विथ
the repetition of Durga Naam. I am always attached to Durga Naam. लेकिन तब भी nevertheless मेरा दुख का कोई अंत नहीं रहा. हमें और निश्चित दुर्गा में भाषी दुर्गा नाम लेते हुए भी भगवान का नाम लेते हुए भी हमारा दुख का अंत नहीं रहा. तो वो दुख राशि गलो ना. अगर इस बार भी एवार जो दी मोरी दैट इज बहुत बार हो चुका है. अनेक जन्म समसिद्ध तत्व जाति परम गति अनेक जन्म बीत चुका है. हम ईश्वर लव नहीं हुआ लेकिन इस बार कम से कम हमें तुम्हारा दर्शन होना ही जरूरी है. ये मेरा संकल्प था. अगर ना हो अगर इस बार भी चूक हो जाए तो वो हरसुंदरी आपका नाम हरसुंदरी भी है शिव का पत्नी है तब मैं आपको ये चेतावनी देना चाहता हूँ. अगर मैं जैसे वक्त है तुम्हारा इतना प्यार से नाम ले रहा हूँ अगर हमारा ये दुर्दशा हो तो दिखा दे कि और कोई भविष्य में आपको नाम नहीं लेने वाला है ये जान लेना. तो वार्निंग दे रहा है. यह भक्त भगवान का मधुर संपर्क जो कि संगीत में परिस्फुट है. अगर मेरा नुकसान हो जाए इस बार भी मेरा सर्वनाश हो जाए और तुम्हारे दर्शन ना मिले जीवन सार्थक ना हो तो भविष्य में जान लेना तुम्हारा नाम और कोई नहीं लेगा. तुम ऐसे ही रह जाओगे लेने से फायदा नहीं है. ये अभिमान कर रहे हैं भक्तगण. ठाकुर उनके सुंदर कंठ से परिवेशन कर रहे हैं. सब मंत्रमुग्ध होकर सुन रहे हैं. इसके उपरांत तृतीय संगीत परिवेशन कर रहे हैं जो कि ब्रह्मानंद ब्रह्म के नित्यानंदमय भाव प्रकाश कर रहे हैं. शिवो संगे सदा रंगे आनंद मगना सुरा पाने ढलो ढलो ढोले किंतु पड़े ना. ये जो शिव और शक्ति का जो मिलन का बात बोल रहे हैं जो आनंद का स्रोत जी बताया ना आनंदमय होएगा वहाँ. आप तो आनंदमय हैं. आनंद का स्रोत कहाँ उत्स कहाँ से है. जब शिव शक्ति का मिलन होता है तभी आनंद असीम आनंद का उत्पन्न होता है. तो ये जो आनंद का ये तंत्र का व्याख्यान है वेदांत में कहते हैं जब जीवात्मा का साथ परमात्मा का लय होता है तब एक अतीव सुख का अनुभूति होता है. जीवात्मा और परमात्मा का लय जिसको समाधि कहलाता है. तंत्र में क्या कहते हैं जब शिव और शक्ति का मिलन होता है तो शक्ति कहा जाता है हमारे शरीर का रीढ़ का जो हड्डी है उसका सर्वनिम्न प्रांत में विराजमाना है कुंडलिनी शक्ति. और शिव परमात्मा चैतन्य स्वरूप वो शिरोपरि बैठे हैं द टॉप ऑफ द ब्रेन. जब ये सुप्त शक्ति जागृत होकर रीढ़ का हड्डी का बीच से
आगे बढ़ते हुए मस्तकोपरि शिव के साथ मिलित होते हैं तब शिव शक्ति का मिलन होगा, उस सहस्रार में जाके मिलित होगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो शक्ति रूपिणी माँ शिव के साथ मिलित होकर आनंद में मग्न है, और वो जो अमृत है, अमृत सुधा पान के पान करके वो मस्त हो गए। लेकिन गिर नहीं जा रहा है, अर्थात ये जो आनंद है वो जागतिक आनंद से सुरापान और सुधापान में फर्क है। मदिरापान करने से क्या होता है, हमारे मन चेतन भूमि से अवचेतन भूमि में अवनमित होता है, माइंड गेट्स डिग्रेडेड इन द सबकॉन्शियस लेवल ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द इंटॉक्सिकेंट। मदिरा का इफेक्ट में मन अवसन्न हो जाता है, अवचेतन स्तर में चले जाते हैं, उसका कोई तब कंट्रोल नहीं रहता है। और जब आध्यात्मिक आनंद होता है तब भी मन चेतन भूमि छोड़ के अति चेतन अवस्था में चले जाते हैं, इट ऑल्सो क्रॉसेस अप, वेर एज जो मदिरापान से वो इट गोज डाउन। तो ठाकुर का भी ये हम लोग देखे हैं, जब उनका भाव हो जाता था वो अच्छन्न हो जाते थे, लड़खड़ाते थे, तो कभी उसको सोचते थे अभी गिर जाएंगे, तो कोई टच करने के कारण से ठाकुर को सख्त मना कर देते थे, क्योंकि ही इज़ नॉट अनकॉन्शियस, ही इज़ नॉट लॉस्ट कॉन्शियसनेस, ही हैज़ ट्रांसेंडेड कॉन्शियसनेस, ऊपर में चले गए। अभी टच करने के लिए क्यों मना करते थे, अगर उसके स्पर्श से उनकी अवस्था से वो गिर जाएगा, कोई अपवित्र व्यक्ति अगर इस समय में स्पर्श कर दे तो उसका इतना उच्च अवस्था नहीं रहेगा, इसलिए किसी को छूने नहीं देते थे। सिर्फ जो चिन्हित व्यक्ति थे, बाबूराम आदि अति पवित्र व्यक्ति को भी अलाउड था, उनका अनुमति था ठाकुर के साथ रहने का, किस अवस्था में ठाकुर के साथ रहेंगे ताकि कोई डिस्टर्ब ना करे। तो यहां पर कहा गया है, तो आपको ऐसी अवस्था है, अब लड़खड़ाते हैं लेकिन आप कभी गिरते नहीं, कारण यह आनंद दूसरा आनंद है। दिन उसके आगे बताते हैं, विपरीत रहता तुरा पौधों भरे कांपे धोरा, उभय पागलेर पारा लज्जा भय आन माने ना। शिव और शक्ति दोनों विपरीत भावना का है, लेकिन आपका जो इस अवस्था में जो आप नृत्य कर रहे हैं, पूरा धरणी टलायमान है, और शिव और शक्ति दोनों ही मस्त हो गया, उस समय में लज्जा भय और कोई हिसाब नहीं रहता है। द सोशल स्टिग्मा, सोशल स्टेटस, नॉर्म्स कैन नो मोर बी डिटेन्ड, क्योंकि मन दूसरा जगत में चले जाते हैं। ठाकुर को जब इस अवस्था होता था, उनके पहने का कपड़ा अगर है ही या नहीं उसका कोई ख्याल नहीं है, कोई लज्जा भय नहीं है, ही हैज ट्रांसेंडेड, पर नॉर्मली वी कैन नॉट गेट रिड ऑफ दैट फीलिंग बिकॉज वी आर इन द कॉन्शियस लेवल। लेकिन जो हमारे जो आराध्य माता है उनका स्वभाव ऐसी है, शी इज एवर इमर्स्ड इन ब्लिस, डिवाइन ब्लिस। तो ठाकुर ये संगीत परिवेशन किया ताकि हम लोग भी
सर्वदा याद करते रहें आनंदमयी माता का हम लोग निजी संतान है, हमें भी वो आनंद का अंश मिलना चाहिए। इसलिए माँ के पास प्रार्थना करना चाहिए, और प्रार्थना करने से जरूर मिलेगा। वी शुड एवर बी कॉन्शियस अबाउट अवर हेरिटेज। हम लोग कहाँ के हैं, हम लोग कोई अनाथ व्यक्ति नहीं है। हमारा निजी माता इतना आनंद में भरपूर है, और वो आनंद हमें देने के लिए वो सदा व्याकुल है। तो मन को भगवत मुखी करने के लिए ये सब जो संगीत है, ये बहुत ही एक आध्यात्मिक साधन बन जाता है। इसको सुनने से, इसको गाने से ये मन उच्च अवस्था में चले जाते हैं, इसे महापुरुष महाराज बताया। इस प्रसंग आगे बढ़ाते हुए ठाकुर जी कहते हैं, उसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत, श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज मंगलवार के अवसर है, शाम को आरती के बाद हनुमान चालीसा होगी, लिपि भी दिया जाएगा, आप लोग सब उसमें स्वागत है। अच्छा रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।